नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस का जो कॉन्स्टेबल का फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का फॉर्म भरने के लिए आपको SSC का रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपने ऑलरेडी SSC में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन ID और आपके पास पासवर्ड होगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो किया है, ठीक है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, यहाँ पर यूज़र नेम रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करता हूँ, मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है, तो मेरा जो पासवर्ड है रजिस्ट्रेशन ID है वो सेव है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ID पासवर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा, मुझे सिर्फ कैप्चा कोड फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए कैप्चा कोड हम यहाँ पर फिल करते हैं। और देखिए कैप्चा कोड है 62 स्मॉल n और कैपिटल R। दोस्तों, कैप्चा फिल करने में आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा वर्ड कैप में है और कौन सा वर्ड स्मॉल में है, ठीक है। तो ये मैंने अपना जो कैप्चा कोड है वो फिल कर दिया है। अब मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। जैसे ही लॉगिन हुआ है तो यहाँ पर आपका सबसे ऊपर ब्लू लाइन में आपको दिखाई दे रहा है कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023, ठीक है। तो इसमें आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है वो आपकी 1 सितंबर 2023 में हुई है, यानी कि आज हुई है। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 सितंबर 2023 है, रात 11 बजे तक, ओके। और इसमें आपको जो फीस पे करनी है वो आपको 30 सितंबर 2023 को 11 बजे तक ही करनी है। जो विंडो ओपन रहेगी वो आपकी 11 बजे तक ओपन रहेगी 30 सितंबर तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे आपका ब्लू कलर में आपका जो लाइन दिख रही है, पॉइंट दिख रहा है, पहला है अप्लाई, सेकंड प्रिंट, थर्ड पेमेंट और फोर्थ पेमेंट स्टेटस और फिफ्थ पेमेंट एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। और फिर आपका दिख रहा है डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट, तो आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमने अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। मैंने जैसे आपको बताया, मैंने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन में आप डिटेल डालते हैं वो आपकी ऑलरेडी फिल हो जाती है फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको अपना नाम फिल करना है, फुल नेम, ठीक है। सेकेंड वाला ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना है। थर्ड वाले ऑप्शन में फादर नेम आ जाएगा, जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पर आप जो डिटेल फिल करेंगे वो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में आप जो रजिस्ट्रेशन में अपना मदर नेम डालेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी। जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ की डेट डालेंगे वो कैलकुलेट होकर यहाँ पर आपकी एज एज ऑन 1/7/2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज आ जाएगी, ठीक है। जेंडर आप डाल सकते हैं, मेल है फीमेल है, कैटेगरी आप डाल सकते हैं जनरल OBC SC ST जो भी आपकी होती है। नेशनलिटी आपको सिटीजन ऑफ इंडिया डालना है, ठीक है। ये 10th वाला ऑप्शन है, मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी पे कोई भी मार्क है, कटा हुआ तिल का निशान है, कोई दाग धब्बा है, वो यहाँ पर आपको डालना है। 11 में आपका जो मैट्रिकेशन है, 10th की डिटेल डालनी है, जो आपका जिसने आपको 10th क्लास से आपने जो जिस बोर्ड से आपने अपनी 10th क्लास की है वो बोर्ड का यहाँ नाम आपको डालना है, ठीक है। ये आपको 10th क्लास का रोल नंबर डालना है। 13 में आपका जो ईयर है, 10th क्लास आपने जिसमें पास की है वो यहाँ पर डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर 14 ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको फिल करना है, वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो इसमें आपका जो भी दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कोई भी कैंडिडेट काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। तो 14 ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि क्या आप दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा भी आपका है यस और नो, तो मैं इसमें नो डाल देता हूँ। 15 ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है वेदर सन स्लैश डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड पर्सनल स्लैश मल्टी टास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई सन डॉटर या कोई दिल्ली पुलिस में काम करता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, अगर करता है तो यस, अगर नहीं करता है तो नो, तो मैं इसमें नो डाल देता हूँ।
ठीक है, 16 ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है, हैव यू रिप्रेजेंटेटेड स्टेट ऑफ नेशनल लेवल ऑफ द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल इन स्पोर्ट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसमें आपका स्पोर्ट का आपको पूछ रहा है, जो अगर आप स्पोर्ट कोटे से आप लेना चाहते हैं, स्पोर्ट कोटे का लाभ लेना चाहते हैं और आपके पास 3 ईयर से पुराना आपके पास नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट 3 ईयर पुराना नहीं होना चाहिए, वो 3 ईयर के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। ठीक है, 16 ऑप्शन है, इफ़ यस प्लीज सेलेक्ट द डिसिप्लिन ऑफ योर, अगर आप इसमें यस करते हैं तो आपको यहाँ पर स्पोर्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्पोर्ट से आप बिलोंग करते हैं, जो भी स्पोर्ट आप खेलते हैं, ठीक है, वो यहाँ से आपको फिल करना है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ, यस डाल देता हूँ, मुझे स्पोर्ट से लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेता हूँ, जो मेरा स्पोर्ट है मेरा कराटे है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, 17 ऑप्शन में आपको डालना है प्रीफ्रेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, जो भी आप अपने कंफर्टेबल, जो भी आपको नियर लगता है अपने लोकेशन से, वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे यहाँ से दिल्ली मुझे पास में पड़ता है, तो मैं फर्स्ट दिल्ली डालूँगा अपना सेंटर। ठीक है, तो मैं इसमें सर्च कर रहा हूँ दिल्ली कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस अपना दिल्ली का दिया है। तो ये लोडिंग हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने जो फर्स्ट प्रेफरेंस डाला है वो दिल्ली का डाला है। अब सेकंड आप देख लेते हैं, सेकंड मैं देहरादून का डाल देता हूँ। अपने अकॉर्डिंग आप डालना, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप डालना है। ठीक है, थर्ड पे मैं अपना हरिद्वार डाल देता हूँ। ठीक है, आप भी सेम डाल देना, अगर आपको लगता है कि सेम आपके नियर बाय पड़ता है, या आप ट्रैवल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, 18 ऑप्शन में आपको पूछ रहे कि वेदर एक्स सर्विस मैन ESM। ठीक है, तो अगर आपका है कोई सर्विस मैन तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप नो डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आप ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, ये खुलेंगे भी नहीं। ठीक है, अब 20 ऑप्शन में चलते हैं कि ये एज सीकिंग के बारे में आपको पूछ रहा है। तो ठीक है, अगर आपका एज सीकिंग के बारे में आपका कोई क्या आप कोई छूट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। ठीक है, मैं यस कर देता हूँ इसमें, तो OBC डाल देता हूँ, जो आपका कैटेगरी आती है, ठीक है, वो आप इसमें यस कर सकते हैं। 21 में आर यू ए नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है ABC, तो आप इसमें यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। 21 में आपको डालना है टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफिकेट डालना है। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। 22 में डालना है, पूछ रहा है ये, डू यू प्रोसेस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवार्डेड बाय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएट में कोई आपको अवार्ड मिला है या आपको सम्मानित किया गया है, तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। 23 में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में जो आपने ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन किए, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं BA डाल देता हूँ। हाँ सॉरी, इसमें 22 ऑप्शन में आपका जो भी आपका डिवीज़न आया है, इसमें आपको यस करना है। ठीक है, और 22 में आपको डालना है जो आपका डिवीज़न आया है। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास हुए है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट डाल देता हूँ, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, 24 में डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 12 डाल देता हूँ। ठीक है, और जो 12th जिस बोर्ड से किया है आपने, वो आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं सर्च कर रहा हूँ, मैंने UP बोर्ड से किया है, तो UP बोर्ड यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से कॉलम में आपका UP बोर्ड है।
तो मैंने यूपी बोर्ड से किया है, तो यूपी बोर्ड का जो ऑप्शन आएगा वो ये आएगा, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, तो इस पर सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, 12th क्लास का आपका जो रोल नंबर था वो यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, तो मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। 12th क्लास जिस सब्जेक्ट से आपने की है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर डालना है, तो मैं डाल देता हूँ। मैंने कॉमर्स से किया है तो मैं कॉमर्स डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जिस ईयर में आपने 12th क्लास पास की थी वो यहाँ पर आपने आपको फिल करना है। ठीक है, तो मैंने 2020 में की थी, मैं 2020 डाल दिया है। ठीक है, 12th क्लास में आपकी जो परसेंटेज आई थी वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो आगे चलते हैं, ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पर मैंने जो रजिस्ट्रेशन में SSC के रजिस्ट्रेशन में दिया था दिल्ली पुलिस के, वो यहाँ पर ऑलरेडी फिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफी अपलोड करनी है। ध्यान रखिए जो फ़ोटो होगा आपका वो 20 से 50 KB में आपका होना चाहिए, JPEG और JPG में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अपलोड करता हूँ। देखिए फ़ोटो मैंने यहाँ पे अपना अपलोड कर दिया है, ये फ़ोटो 20 से 50 KB का है। ठीक है, अब सेकंड सिग्नेचर अपलोड करते हैं, तो सिग्नेचर वाले ऑप्शन में जाएंगे जहाँ पर मैंने सिग्नेचर अपने स्कैन करके रखे हैं। ठीक है, तो मेरे सिग्नेचर इस वाले फोल्डर में है, तो यहाँ से सिग्नेचर उठा लेंगे और अपलोड कर देंगे। देखिए अपलोड हो गए हैं। अब 27 पे लिखा है वेदर द फोटोग्राफी हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1 जून 2023। ठीक है, जो आपका फ़ोटो है वो 1 जून 2023 से का सॉरी 1 जून 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये फ़ोटो रिसेंटली गया है, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। आगे चलते हैं। ठीक है, ये वेरिफिकेशन विल बी सब्जेक्ट टू ऑथराइजेशन फ्रॉम कंप्लीटेंट ऑथोरिटी, तो यहाँ पर आपको आई एग्री करना है और आपको कैप्चा फिल कर देना है। सॉरी, तो चलिए कैप्चा फिल करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। देखिए कैप्चा जो आपका है सारे वर्ड आपके कैपिटल लेटर में है, तो हम कैपिटल लेटर में ही फिल करेंगे। ठीक है, मैंने फिल कर दिया है, तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले आपका फॉर्म चेक करना होगा, तो प्रीव्यूज पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। देखिए मेरा जो फॉर्म है, मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, तो ये चेक करने के लिए अगर हमने अपने फॉर्म में कोई भी मिस्टेक की है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमने फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दिया तो हम कोई भी डिटेल एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ सही है, फ़ोटो भी देख लेते हैं, सिग्नेचर भी यहाँ पर परफेक्ट है, तो यहाँ पर हम फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये ग्रीन लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, कह रहा है कि फाइनल सबमिशन के बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। सो चेक ऑल डिटेल केयरफुली, क्लिक ओके इफ़ यू वांट टू सबमिट, अगर आप सबमिट करना चाहते हैं, कोई भी मिस्टेक आपने फॉर्म में नहीं की है, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे ये हमारा फाइनल सबमिट हो जाएगा। ओके, अब सेकंड ऑप्शन जो खुलेगा वो देख लेते हैं।